नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज दोपहर बातचीत करेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी कोविड-19 अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। तमिलनाडु ने चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में अगले शुक्रवार से इस महीने के आखिर तक पूरी तरह पूर्णबंदी लागू करने की घोषणा की। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रिहा किया गया। और भारत वैश्विक कंप्यूटर केंद्रित कामकाज से संबद्ध भागीदारी समूह में शामिल, इस प्रणाली के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम तथा लक्षद्वीप के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। श्री मोदी कल 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह 6ठी बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना महामारी को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारी प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य इस बारे में पहले ही कदम उठा चुके हैं। इन राज्यों ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को आपात और गहन चिकित्सा के बारे में उचित दरें तय करने के लिए निजी क्षेत्रों से समझौता किया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई रिपोर्ट मिली हैं जिनमें कोविड-19 रोगियों के लिए आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर जैसी सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल ढांचे की कमियां उजागर होती हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS की पैकेज दरें पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि रोगियों को उचित दरों पर शीघ्र अच्छी और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके, इसके लिए राज्यों को निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पूलिंग पर विचार करने को कहा गया है। इससे कोविड-19 रोगियों को शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण और उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के वे 2 अधिकारी वापस आ गए हैं जो कल सुबह लापता हो गए थे और बाद में उनकी गिरफ्तारी की खबर आई थी। सूत्रों ने बताया कि भारत ने दिन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया था और इस्लामाबाद में अपने 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर पर आपत्ति पत्र सौंपा था। सूत्रों ने बताया कि आपत्ति पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय अधिकारियों से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं होनी चाहिए और न ही उन्हें परेशान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से कहा गया था कि दोनों अधिकारियों को तुरंत उच्चायोग वापस भेजा जाए। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने कल सुबह कहा था कि उसके 2 अधिकारी लापता हो गए हैं और सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया गया है। इसके पहले
नई दिल्ली में दो पाकिस्तानी अधिकारियों को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोविड 19 रोगियों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन दवाओं के आपातकालीन उपयोग संबंधी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। यह कदम इस निष्कर्ष के बाद उठाया गया कि ये दवाएं वायरस के संक्रमण को ठीक करने के लिए प्रभावी नहीं है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कहा है कि इसका निर्णय नई जानकारी पर आधारित है, जिसमें नैदानिक परीक्षण डेटा परिणाम भी शामिल हैं। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कोविड 19 के लिए दवाएं प्रभावी नहीं हो सकती और इस तरह के उपयोग के लिए इसके संभावित लाभ इसके ज्ञात और संभावित जोखिमों को दूर नहीं कर सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले दो हफ्तों में दुनिया भर में हर रोज कोरोना वायरस के 1 लाख से अधिक रोगी सामने आए हैं, जबकि पहले 1 लाख मामलों में 2 महीने से अधिक का समय लगा था। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका और दक्षिण एशिया में 10 देशों में लगभग 75% मामले सामने आए हैं। WHO ने कहा है कि अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और मध्य पूर्व में भी रोगियों की संख्या बढ़ी हुई है। संगठन ने कहा है कि जिन देशों ने कोविड 19 संक्रमण पर नियंत्रण करने की बात कही है, उन्हें इसके फिर से उभरने की संभावना के प्रति सचेत रहना चाहिए। कल मीडिया को जानकारी देते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रियसिस ने कहा कि चीन ने बीजिंग में कोविड 19 के नए मामलों की जानकारी दी, जबकि इससे पहले शहर में पिछले 50 दिनों से अधिक समय से कोई मामला सामने नहीं आया था। बीजिंग में अब 100 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है और इनके स्रोत की जांच की जा रही है। भारत कल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भागीदारी GPAI शुरू करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा, फ्रांस और अन्य देशों के समूह में शामिल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदारों के सहयोग से उद्योग जगत, नागरिक संगठनों, सरकार और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जिम्मेदारी के साथ प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। इससे ऐसी विधियां भी तैयार की जा सकेंगी कि कोविड 19 जैसे मौजूदा वैश्विक संकट से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होकर भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। वो समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में इस अनुभव से लाभ उठाएगा। GPAI विभिन्न भागीदार देशों के अनुभव के इस्तेमाल से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने का अपनी तरह का पहला प्रयास है। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने राजधानी चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में अगले शुक्रवार से इस महीने के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री इडापड़ी पलानी सामी ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान दुकानें सवेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने इस पूर्णबंदी के दायरे में आने वाले क्षेत्र में प्रत्येक राशन कार्ड धारक परिवार को 1,000 रूपये देने की घोषणा की। असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बीच कल 1,843 नए मरीजों का पता लगने के साथ ही राज्य में कोविड 19 से संक्रमित लोगों की संख्या 46,504 हो गई है। चेन्नई में 1,415 नए मामले सामने आए हैं। 1,138 लोगों को कल उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में इस समय 20,678 रोगियों का उपचार चल रहा है और अब तक 489 लोग जान गंवा चुके हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड 19 की जांच के लिए नियंत्रण क्षेत्र और स्वास्थ्य केंद्रों में RT-PCR टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट SARS-CoV-2 के विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो परीक्षण है। इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है। परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड 19 की जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ RT-PCR टेस्ट भी किया जाना चाहिए, ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर RT-PCR टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस स्टैंडर्ड कोविड 19 परीक्षण किट के जरिए लोगों में कोरोना के लक्षण के पॉजिटिव या निगेटिव होने का पता जांच वाले जगह पर नमूने के रखने के 15 मिनट के बाद लगाया जा सकता है। जांच के बाद प्राप्त परिणाम को आंखों से देखा जा सकता है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होगी। इस टेस्ट किट की अति विशिष्टता और अपेक्षाकृत कम संवेदनशीलता के कारण ICMR ने कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ICMR ने कहा है कि इस रैपिड डिटेक्शन टेस्ट की विशिष्टता बहुत ही अधिक है, जिसके कारण यह निगेटिव लक्षण का भी सही पता लगाने में सक्षम है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 170,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 9,520 हो गई है। मृत्युदर 2.86% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 1,647 नए मरीजों का पता चला। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 42,829 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से प्रभावित 16,427 लोग अब ठीक हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में 604 लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान 73 लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,400 हो गई। बिहार के सभी जिलों में कोविड 19 संक्रमित रोगियों की जांच शुरू हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि 38 जिलों में 41 स्थानों पर नमूनों की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 34 स्थानों पर ट्रूनेट जांच की जा रही है। राज्य में प्रतिदिन 3,500 नमूनों की औसतन जांच की जा रही है। इसे 10,000 करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पटना स्थित एम्स, RMRI, IGI में समेत राज्य के 7 अस्पतालों में RT-PCR मशीन से जांच की जा रही है। राज्य के 34 जिलों में ट्रूनेट मशीन से जांच हो रही है। इस मशीन से एक शिफ्ट में 40 से 60 नमूनों की जांच की जाएगी। RMRI में एक उबास मशीन का ट्रायल किया जा रहा है। इससे एक बार में 1,000 नमूनों की जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस बीच राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,662 हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 63% से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान में कोविड 19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 दिन का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान 21 जून से शुरू होगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सक्रिय निरीक्षण करेंगी और लोगों को बीमारी की रोकथाम के बारे में एहतियाती उपाय बताएंगी। इस बीच राज्य में कोरोना के मरीजों की जांच और उपचार में तेजी लाई गई है। राज्य में कोरोना के 6,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। सबसे ज्यादा 1,10,000 नमूनों की जांच जोधपुर जिले में की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों में जांच सुविधा विकसित कर ली गई है। जल्द ही शेष जिलों में भी कोरोना संबंधी जांच होने लगेगी। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 75% से ज्यादा हो गई है। अब तक 12,981 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9,785 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 301 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे। और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार के खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। खुजली झटपट दूर करें, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज दोपहर बातचीत करेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी कोविड-19 अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। तमिलनाडु ने चेन्नई और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगले शुक्रवार से इस महीने के आखिर तक पूरी तरह पूर्णबंदी लागू करने की घोषणा की। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रिहा किया गया और भारत वैश्विक कंप्यूटर केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध भागीदारी समूह में शामिल। इस प्रणाली के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का औचक दौरा किया। समीक्षा बैठक के दौरान गृहमंत्री ने दिल्ली के प्रमुख सचिव विजय देव को निर्देश दिया कि हरेक कोरोना अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि समुचित निगरानी और रोगियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। श्री शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को भोजन की आपूर्ति करने वाली कैंटीन का विकल्प तैयार करने का भी निर्देश दिया ताकि यदि कैंटीन में संक्रमण हो तो रोगियों को निर्बाध रूप से भोजन मिलता रहे। श्री शाह ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और नर्सों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलाने के भी निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को कोरोना वायरस के लिए निर्धारित सभी अस्पतालों में कोविड-19 वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। कल ही गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के प्रमुख सचिव विजय देव को इस बारे में निर्देश दिया था कि हर एक कोरोना अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि समुचित निगरानी और रोगियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लोक निर्माण विभाग से कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन का ब्यौरा दें। कल दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का औचक दौरे के बाद श्री शाह ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और नर्सों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलाने का सुझाव दिया। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने आयुर्वेद उत्पाद पर आधारित नष्ट होने वाला फेस मास्क विकसित किया है जो वायरस को निष्क्रिय और बैक्टीरिया को रोकने का काम करेगा। इस मास्क का नाम पवित्रापति है। ये मास्क नीम के तेल, हल्दी, कृष्णा तुलसी, अजवाइन, ब्लैक पेपर सहित अनेक उत्पादों से बना है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने में भी काम करता है। इस उत्पाद का इस्तेमाल नियमित फेस मास्क की तरह किया जा सकता है जो संक्रामक बीमारियों को रोकने में काम करेगा। यह बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क जीवाणुरोधी, एंटीफंगल, एंटीवायरस, पोरस, सुपर हाइड्रोफोबिक यानी बाहरी परत और हाइड्रोफिलिक यानी आंतरिक परत है। इस तकनीक ने साबित कर दिया है कि बुने हुए कपड़ों के बीच गैर बुनी परत बूंदों, छींटे, स्प्रे, बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में मदद करती है। यह मास्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। DIAT ने संभावित निर्माताओं को मुफ्त में इस तकनीक की पेशकश करने का फैसला किया है और कई कंपनियों ने इसके लिए रुचि दिखाई है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की दर 48% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न अस्पतालों से 434 रोगी ठीक हो गए। इसके साथ ही राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 5,494 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 407 लोगों को संक्रमित पाए जाने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,494 हो गई। पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 485 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सबसे अधिक मौतें कोलकाता में और इसके बाद हावड़ा और उत्तरी 24 परगना में हुई हैं। हरियाणा में कल कोविड-19 के 514 नए मामले मिले और अस्पतालों से 562 ठीक हो चुके मरीजों की छुट्टी कर दी गई। राज्य में कल 12 मरीजों की मृत्यु भी हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज मिले 514 मरीजों में से 183 गुरुग्राम के और 128 फरीदाबाद के हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा अर्चना कराने वाले लोगों की संख्या में तेजी आई है। मंदिर में ऑनलाइन पूजा की शुरुआत पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी।
तीन महीने पहले वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु हर रोज दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद ये संख्या घटकर महज 900 से 1000 के बीच रह गई है। इसके ठीक उलट ऑनलाइन पूजा में लंबी वेटिंग चल रही है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह ने आकाशवाणी को बताया, गूगल अर्चन की जो विधि है उसको पूरे विश्व में कोई भी श्रद्धालु बुक कर सकता है, कि पोर्टल से या ऐप से अपनी पूजा बुक कर सकता है। पूजा बुक करते समय उसको सारी डिटेल्स अपनी देनी पड़ती है। सारी चीजों को करने के बाद उनकी जो पूजा के समय में उनको यहाँ से कॉल की जाती है, जिसके माध्यम से उनके साथ कनेक्ट होने के बाद वो संकल्प लेने का कार्य करते हैं और पूरी पूजा का अपना बैठकर दर्शन करते हैं। हालांकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन मंदिर प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड 19 संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन फिर भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पुदुचेरी आने वाली 5 सड़कें सील कर दी गई हैं और लोगों का प्रवेश रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। प्रमुख सड़कों को जोड़ने वाली करीब 82 छोटी सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। प्रशासन स्थानीय सब्जी मंडी में संक्रमण के मामलों को लेकर अधिक चिंतित है। लोगों की मांग पर हाल ही में पुदुचेरी सब्जी मंडी को नेहरू स्ट्रीट में अस्थायी तौर पर लाया गया था। प्रशासन ने अब फिर से सब्जी मंडी के लिए AFT ग्राउंड तय किया है। गोबर्ट मार्केट में उपलब्ध सुविधाओं और प्रबंधों में एक दूसरे से दूरी बनाए रखना बहुत कठिन हो रहा था, इसलिए खुले मैदान में सब्जी मंडी लगाई गई है। सब्जी मंडी में संक्रमण की रोकथाम के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। अधिकारियों से कहा गया है कि वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रखें और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के सभी प्रबंध करें। पुदुचेरी से चिदम्बरानाथम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ब्रजेश शुक्ला। अंडमान निकोबार में पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के समाचार है। यहां जांच के कामों में तेजी लाई गई है। अंडमान निकोबार में आज कोविड 19 के 3 और मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। कल पुलिस महानिदेशक दीपेंद्र पाठक के साथ ही 2 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी जांच में पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद एहतियात बरतते हुए पुलिस मुख्यालय को सील कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने कल एक ट्वीट के जरिए अपने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। ताजा स्थिति को देखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दायरे को बढ़ाया गया है। हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग और का कार्य लगातार जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। सिक्किम मंत्रिमंडल ने कल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण उनके लिए है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में नहीं आते। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की पात्रता के बारे में अधिसूचना 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। पात्र व्यक्तियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, या फिर उनके पास नगरपालिका क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से कम का फ्लैट या फिर 100 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड होना चाहिए। तकनीकी और वैज्ञानिक तथा अन्य ऐसे पद जो केंद्रीय सेवाओं के दायरे से बाहर हैं, उन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा। राज्य सरकार के सी और डी श्रेणियों के सभी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। गंगटोक से परिजा शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से गौरव राघव। गुजरात सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल इस बारे में घोषणा की। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, कोविड 19 लॉकडाउन के कारण गुजरात सरकार को 24,000 से 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। दूसरी ओर सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए अतिरिक्त खर्च किया है। उन्होंने कहा कि हसमुख अढ़िया समिति की सिफारिश के अनुसार यह निर्णय लिया गया था। श्री पटेल ने बताया कि बढ़ोतरी के बाद भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में सबसे कम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल की बिक्री बनी रहती है तो राज्य की आय 1500 से 1800 करोड़ रुपए तक बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार को इस साल GST संग्रह में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञ राय कार्यक्रम भी कोविड 19 पर विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को, खासकर हॉटस्पॉट जोन में रहने वालों से कोविड 19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन उपायों का गंभीरता से पालन करने का अनुरोध किया है।
अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें हम ये देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो हमारे केसेस जो है वो बढ़ेंगे नहीं, आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444, टोल फ्री नंबर है 1800115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एके वार्ष्णेय ने कोविड 19 महामारी पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। अगर गलती से वायरस आपके हाथ से भी लग गया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, हाथ से ये वायरस आपके शरीर में नहीं प्रवेश कर सकता। ये वायरस जब ही प्रवेश करेगा जब आप वो गंदे हाथ अपने मुंह, नाक या आंख पे लगाएंगे। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है और मुंह और नाक को ढका हुआ है तो उस पे तो हाथ लगाने की वैसे ही संभावना फिर बहुत कम रह जाती है। आंखें हैं तो उसमें आप कोई गॉगल से चश्मा भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाते तो ये देखें कि जब भी आप गंदे हाथों से बाहर से परचेजिंग करके आ रहे हैं तो अपने मुंह पे किसी तरीके से हाथ न लगाइए। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं, यहां न्यूनतम अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अहमदाबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, यहां तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद विशाल। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक आज के सभी समाचार पत्रों की पहली खबर है। दैनिक जागरण ने अमित शाह के शब्दों को दिया है बहुत जल्द सुधरेगी कोरोना से त्रस्त राजधानी की तस्वीर। सर्वदलीय बैठक में कहा मतभेद भुलाकर महामारी से जंग में मिलाए हाथ, बकौल राष्ट्रीय सहारा फुल एक्शन में शाह। दिल्ली में 20 जून से रोजाना 18,000 जांच होगी, आनंद विहार स्टेशन कोविड मरीजों को समर्पित। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के दो कर्मियों की हिरासत से रिहाई की खबर भी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है फटकार के बाद पाकिस्तान ने रिहा किए भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी। जनसत्ता ने लिखा है भारत के कड़े ऐतराज पर झुका पाकिस्तान। नेपाल के साथ सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा ने रक्षा मंत्री के हवाले से लिखा है कोई ताकत भारत नेपाल संबंधों को नहीं तोड़ सकती, मोदी सरकार पड़ोसी देश के साथ गलतफहमियों को बातचीत के जरिए हल करने के इच्छुक। मई में थोक महंगाई 4.5 साल के निचले स्तर पर पहुंचने का समाचार अमर उजाला सहित कई अखबारों में है। मई के दौरान थोक महंगाई में 3.21% की गिरावट आई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज दोपहर बातचीत करेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा बढ़ाने और उचित दरों पर गहन चिकित्सा व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करें। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी कोविड 19 अस्पतालों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। तमिलनाडु ने चेन्नई और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगले शुक्रवार से इस महीने के अंत तक पूरी तरह पूर्णबंदी लागू करने की घोषणा की। पाकिस्तान में गिरफ्तार भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारियों को रिहा किया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।